हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू हम दो हमारे चार व्लॉग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज जो है मैं आप लोगों के साथ बेड ऑर्गेनाइजेशन और किचन ऑर्गेनाइजेशन की कुछ आइडियाज़ शेयर करूँगी और एक छोटी सी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो ये देखिए, ये फलक का रूम है और उसका बेड जो है ना वो सिंगल होता है और जो है उसको जब चाहे हम लोग डबल भी कर सकते हैं। तो आज ये बेड जो है इसको डबल कर दिया गया है क्योंकि मेरे हस्बैंड की बहन जो इंडिया में रहती है, सबसे छोटी वाली, वो आ रही है यहाँ हॉलीडे स्पेंड करने के लिए हम लोग के साथ फ़र्स्ट टाइम। तो ये वाला रूम जो है फलक का, वो हम लोगों ने उसके लिए सेट कर दिए हैं। और फलक को जो है हम लोग ज़ैन के रूम में शिफ्ट कर दिए हैं। तो ये वाले रूम का भी बेड मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, सिंगल सिंगल बेड ज़ैन और अफ़ान का है। तो साथ में नीचे जो बेड है ना वो स्लाइडिंग है, वो अंदर चले जाता है और काफ़ी चौड़ा है। तो अगर जगह कम रहती है मतलब, तो ये वाला बेड हम लोग इस टाइप का यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर से भी बनवा सकते हैं। नीचे टायर्स लगे हुए हैं और ये ईज़िली अंदर स्लाइड हो जाता है, तो काफ़ी स्पेस जो है ना इससे बच जाती है। और नीचे जो है ना वो स्टोरेज के लिए ड्रॉर्स दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो इसमें ब्लैंकेट्स रख सकते हैं या फिर जो है टॉयज़ रख सकते हैं। तो फलक के बेड में भी ना तीन स्टोरेज दिया गया है। तो जब कोई गेस्ट आता है और हम लोग को एक्स्ट्रा बेड की ज़रूरत होती है, बस तभी हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे ना मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी ना मलाई चिकन सीख बना रही हूँ, लेकिन ग्रेवी के साथ। तो उसके लिए जो है मैंने चिकन ले ली हूँ, 1 किलो बोनलेस चिकन है। और साथ में मैंने ऐड कर दी हूँ उसमें धनिया की पत्ती और कुछ पुदीना ऐड कर दी हूँ। और इसके साथ जाएगा इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जो कि है 1 टेबल स्पून ईच, और कुछ हरी मिर्चें हैं 8 से 12, और जो है ये 2 प्याज है मीडियम साइज़ की। और इसके बाद जो है ना हम लोग इसको फूड प्रोसेसर में अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। अगर आप चाहें ना तो इसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। वैसे ये मेरा फूड प्रोसेसर जो है ना ये फ़िलिप्स का है, तो इसमें प्याज व्याज ना बहुत अच्छी कट जाती है, तो मैं इसको अक्सर यूज़ करती हूँ। ये वाला जो स्ट्रेनर है ना, ये मैंने रमज़ान में ली थी, तो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि ये मैंने कहाँ से ली हूँ। तो ये वाला स्ट्रेनर जो है ये मैंने ड्रैगन मार्ट से लिया था। ये बहुत ही अच्छा है, जैसे अगर भजिया वजिया तलते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में ना ये इसमें हम लोग रख सकते हैं स्ट्रेनर पे, तो एक्सेस ऑयल जो है वो नीचे गिर जाता है, तो टिश्यू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मेरा जो है बहुत ही अच्छा है, मतलब टिशू का काम जो है ना वो बच गया है, टिशू का यूज़ ही नहीं अब ज़्यादा होता है। तो ये देखिए, साथ में मैंने एक और नया सा स्ट्रेनर लेके आई थी, ये वाला। नीचे प्लेट लगी हुई है एक्सेस ऑयल गिरने के लिए, और यहाँ पे देखिए इतनी बारीक छन्नी है ये, तो इसके अंदर जैसे अगर हम लोग तली हुई प्याज जो है अगर डालेंगे ना तो वो बहुत इजीली यहाँ पे ना रख सकते हैं हम लोग। और वो वाला स्ट्रेनर जो है उसमें थोड़ी बड़ी बड़ी सी मतलब खड्डे हैं, तो उसमें से जो है तली हुई प्याज गिर जाएगी। तो यहाँ देखें, तली हुई प्याज जो है मैंने स्ट्रेनर में डाल दी हूँ, तो आराम से जो है सारा ऑयल नीचे गिर जाएगा और बहुत अच्छी सी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए, चले हम लोग जो हैं वो बैटर जो हम लोग ने चॉप किया था फूड प्रोसेसर में, उसमें मैंने डाल दी हूँ सॉल्ट, और उसके बाद 1 पूरा लेमू डाल दी। और ये जो ब्राउन प्याज है ना, ये भी मैंने 2 मीडियम साइज़ की ली थी, और उसको भी जो है हम लोग हाथ से क्रश करके डाल देंगे। तो अब देखिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, और उसके बाद जो है हम लोग इसका अच्छे से सीख बना लेंगे। अगर आप चाहें ना तो उसका गोल गोल बॉल्स भी बना सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने ग्लव्स पहन ली हूँ क्योंकि जो है आरिस को जो है हरदम वॉशरूम ले जाना होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको मिर्चा अर्चा ना लगे। तो इसमें अच्छा खासा मैंने थोड़ा स्पाइसी रखी हूँ इसको, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना थोड़ी चटपटी अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए, ये एक सीख बन गई है मेरी, और तेल लगा के करेंगे ना तो एकदम चिकनी बनेगी। तो इसमें से कुछ जो है ना मैं फ्रीज़ कर दूंगी और कुछ जो है मैं आज ही बनाऊंगी। और यहाँ पे ना मैं एक और रैक ऑर्गेनाइज़र लेके आई थी, तो वो जो है मैं आज यूज़ करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलिए आप लोग के साथ इसको शेयर कर देती हूँ, हो सकता है कि आप लोग के कोई काम आ जाए। तो ये वाला जो है ना ये एक्सटेंडेबल है, हम लोग इसको जो है बड़ा छोटा जितनी हम लोग की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये वाले कैबिनेट में आप देख रहे हैं जो रैक ऑर्गेनाइज़र मैंने पहले लाई थी ना, तो वो बहुत ही छोटा था और सारी चीज़ें देखिए बराबर से उसके ऊपर आ भी नहीं रही थी। तो इसलिए जो है ना मुझे ये वाला दिखा एडजस्टेबल, तो मुझे लगा काफ़ी ये सही होगा। तो आपका जितना भी आपका कैबिनेट है उस हिसाब से जो है आप उसको अरेंज कर सकते हैं उस साइज़ का। तो ये छोटा वाला जो है मैं हटा के यहाँ पर जो है बड़ा वाला लगा दूँगी और इसको अपने कैबिनेट के हिसाब से जो है ना एडजस्ट कर लूँगी। तो ये देखिए, फुल साइज़ मैंने इसको कर ली हूँ जितना मुझे चाहिए, और बड़ा कैबिनेट है तो बड़ा भी कर सकते हैं इसको, और छोटा है तो छोटा भी कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसके ऊपर मतलब स्टील के डब्बे और शक्कर नमक ये सब भी कर सकते हैं, टी स्टेशन इस तरह ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं।
कुछ महीने पहले जो है मैंने किचन टूर जो है वो आप लोगों के साथ उसका वीडियो शेयर करी थी, तो जिन्होंने नहीं देखा है अगर आप चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, बहुत सारी आइडियाज़ मिल सकती हैं। और ये वाले कैबिनेट में मैंने जो है प्लेट ऑर्गेनाइज़र अरेंज करी हूँ, इसके अंदर जो है ट्रे भी हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें लिड्स भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और इस वाले कैबिनेट में ना मैंने जो है कप्स को जो हाइट देने के लिए मैंने एक छोटा सा टिश्यू बॉक्स जो है उसको जो है मैंने टिश्यू कवर से जो है कवर कर दी थी, तो अब वो जो पहले वाला ऑर्गेनाइज़र था ना वो यहाँ पे जो है मैं अरेंज कर दूँगी, कोई भी चीज़ जो है वेस्ट नहीं होने दूँगी। तो बस अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करिए, कहीं ना कहीं हर चीज़ एडजस्ट हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत दिखती है। तो यहाँ पे देखिए कप्स को हाइट भी मिल गई है, और नीचे जो है ना मैं ऐसे शक्कर की बर्नी जो होती है छोटी सी, और चटनी वाला बोल जो है वो रख दूँगी। अगर आप चाहते हैं तो इसको किचन के प्लेटफॉर्म पे भी रख सकते हैं, और इसके ऊपर जो है हम लोग ऑयल डिस्पेंसर रख सकते हैं, या फिर जो है सॉल्ट पेपर का जो है हम लोग डब्बा रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, रखने के लिए चीज़ें कम हैं क्या। अब यहाँ पे ना मैं मलाई चिकन सीख की ग्रेवी बना रही थी, तो उसके लिए जो है मैंने 10 से 12 काजू ली हूँ, और 8 बादाम ली हूँ, और 1 टेबलस्पून जो है ना वो सफ़ेद तिल ली हूँ, और उसको जो है बस अच्छा सा गोल्डन कर लेना है, बहुत ही लाइट गोल्डन, नहीं तो जला हुआ टेस्ट आएगा, और उसके बाद बस हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ना एक छोटी सी गलती हो गई मुझसे कि मैंने जो है ना ऑयल बहुत ज़्यादा ले ली हूँ, जब आप अगर इसको बनाएंगे ना तो बस 1 टेबलस्पून ऑयल लीजिएगा, क्योंकि जो है ये तिल निकालने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और उसी ऑयल में ना मैंने 2 मीडियम ऑनियन डाल दी हूँ, और 7-8 हरी मिर्चें डाल दी हूँ, तो वो आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डालिएगा मिर्चा। और ये है गार्लिक, तो 8 से 12 बड़े बड़े गार्लिक हैं, इन सब को जो है ना हम लोग को ट्रांसपेरेंट सा जो है ऑयल में फ्राई कर लेना है, और उसके बाद जो है ना इसको भी हम लोग एक अलग से प्लेट में निकाल लेंगे, और काजू वाला अलग पेस्ट हम लोग करेंगे, और जो है प्याज वाला अलग पेस्ट। तो तेल में जो है मैंने डाल दी हूँ ज़ीरा, और उसके बाद जो है प्याज मिर्चा और लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दी, थोड़ा सा भूनेंगे हम लोग पानी डाल के, और इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से सब कुछ भुना हुआ है। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर डाली हूँ, 1/2 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, और सॉल्ट टू टेस्ट, और उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा भुनेंगे धनिया की महक निकलने के बाद। इसके अंदर जो है हम लोग ने काजू और बादाम और तिल का जो पेस्ट था वो हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो काफ़ी स्मूथ सी ग्रेवी इसकी रेडी होती है। तो मैंने पानी भी अच्छी तरह से डाल दी हूँ क्योंकि हम लोग को इसके अंदर ग्रेवी चाहिए। थोड़ा सा एक बॉईल आ जाएगा इसके अंदर, उसके बाद जो है हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो ये क्रीम जो है ना ये 2 टेबलस्पून है, और इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। जब क्रीम एकदम डिज़ोल्व हो जाएगी तो उसके बाद जो हम लोग ने ऑनियन लिए थे क्रश्ड ऑनियन वो हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। तो ये 2 प्याज का बारिस्ता है। इसकी सीख हम लोग पहले से बना देंगे ना तो ये ग्रेवी बनने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाल दी हूँ दही, और दही जो है ना वो 4 टेबलस्पून भर के है, और मिर्चा जो है ना वो इसमें थोड़ा सा तेज़ ही रखिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी मीठे मसाले हैं ना, तो फिर जो है मिर्चा बहुत कम हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें थोड़ी स्पाइसी अच्छी लगेंगी। तो ये देखिए दही भी भून गई है और मसाला सब अच्छी तरह से भून गया है। ग्रेवी आप उतनी रखिए जितनी आपको चाहिए, और कुछ लोग गाढ़ी पसंद करते हैं और कुछ लोग पतली। तो जो सीख थी ना उसको मैंने तेल में फ्राई कर ली थी, और उसके बाद मैंने उसको डाल के इस तरह अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर कोयले का धुआं देंगे और हमारी जो है मलाई सीख ग्रेवी रेडी है। कुप्पी को लेने? हाँ कुप्पी को लेने। कुप्पी को लेने कहाँ? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट। अरे लग गाड़ी इतनी हिल रही, फलक कहाँ रह गए? ओके, तो फ्लाइट है ना पहले 5 बजे आने वाली थी दुबई टाइम के हिसाब से, लेकिन फिर वो प्रीपॉन हो गई थी तो 3 बजे आने वाली थी, लेकिन फिर मेरे नंदोई का फ़ोन आया कि हम लोग जो है और भी पहले लैंड हो गए हैं, फ़्लाइट बहुत ही जल्दी आ गई। तो हम लोग घर ही पे थे अभी, बस हम लोग ने हड़बड़ा के जो है जल्दी जल्दी बाहर निकले, और फलक की क्लास चल रही थी तो इसलिए फलक को नहीं लेके आए हैं, बस हम ही लोग आए हैं। और जब तक कि जो है इन लोग लगेज वगेज पिक किए हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए थे, क्योंकि हम लोग का घर बहुत नज़दीक है एयरपोर्ट से। तो बस यहाँ पे जो है ज़ईम सब सामान रख रहा है, मेरे हस्बैंड जो हैं वो टिकट की फ़ीस पे करने गए हैं। तो उसके 2 बच्चे हैं मेरे नंद के, ये दोनों हैं, तो ये अफ़ान की उम्र के हैं, तो अफ़ान की तो बहुत ही मज़ा होने वाली है क्योंकि लड़कों लड़कों की जो है वो आपस में बहुत जमती है।
तो जी हम लोग पहुँच गए घर और यहाँ रिफ़्रेशमेंट के लिए जो है मैंने कुछ चॉकलेट बिस्किट्स रखे थे और ये जो नमकीन है ना ये बॉम्बे से आया था, मेरी बहन भेजी थी, ये बहुत स्पेशल डिमांड पे आता है। और ये जो है बलाई मैंने बनाई थी और साथ में जो है गुलाब जामुन रखी थी, तो उसका डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन है, कभी आप लोग ट्राई करिएगा गुलाब जामुन के साथ बलाई, बहुत ही मज़ा आएगा। तो चटनी है दूसरे बोल में और यहाँ पे ना मेरी मेड जो है वो समोसा फ्राई कर रही है, कीमे का समोसा। तो जब जो है मेरे नंदोई ने खाया ना, उनको इतना टेस्टी लगा, इतना मज़ा आया, कह रहे हैं एकदम बॉम्बे वाले टेस्ट का बनाई हैं आप। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो है एकदम कड़क चाय चढ़ी है। तो फ्रेश होने के बाद ना अभी भी काफ़ी टाइम बाकी था, मतलब पूरा दिन था, अभी 3:30 ही बज रहा था। तो बच्चे लोग बोलने लगे कि हम लोग को स्विमिंग पूल जाना है कज़िन्स के साथ, तो हम लोग ने कहा ठीक है। तो ये हम लोग की कम्युनिटी में ही एक स्विमिंग पूल है और एकदम जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, सामने ही घर से दिखता भी है। तो फलक लोग ने ना, इन लोग के जो कज़िन्स हैं ना, इन लोग के भी फ्लोटर्स और बॉल ये सब इन लोग ने पहले ही से लेके आ गए थे, सारा इंतज़ाम कर लिए थे, पूरा प्लान था कि हम लोग जाएंगे उन लोग के साथ स्विमिंग पूल और ये सब। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब बच्चों को ना अपने कज़िन्स के साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और दुबई में रह के ना हम लोगों को ऐसा मौका नहीं मिलता है, मतलब यहाँ हैं मेरे भाई के बच्चे लेकिन जाते हैं तो 1-2 घंटा रहे और फिर अपने घर आ जाते हैं, लेकिन जो वैकेशन हम लोग स्पेंड करते हैं साथ में, मतलब कई दिन रह के ना, तो वो एक अलग होता है, वो जो मेमोरीज़ है ना वो एकदम रहती है साथ में, कभी नहीं भूलते। और ये देखिए आरिस कैसे स्विमिंग कर रहा है, बहुत इन लोग ने एंजॉय किया और इन लोगों को खींच खींच के निकालना पड़ा। स्विमिंग पूल के पानी में तो आप लोगों को पता है कि क्लोरीन रहता है, तो उसके बाद जो है हम लोग को फ्रेश वाटर से ज़रूर नहाना चाहिए। तो यहाँ पे स्विमिंग पूल के पास ही जो है वो शार एरिया बना हुआ है फ्रेश वाटर से नहाने के लिए, तो बस सब बच्चे यहाँ नहा रहे हैं। और अफ़ान और उसका फ्रेंड जो है वो पूरा शैम्पू वैम्पू बाकायदा ले के आए हैं, एकदम रगड़ रगड़ के उन लोग तो नहाना ही चालू कर दिए हैं। तो डिनर का टाइम हो गया था और यहाँ पे जो है मेरी बड़ी नंद का बेटा जो है ना वो भी आया था, बैंगलोर रहता है वो, तो वो अब यहीं पढ़ता है, तो वो भी साथ में जो है हम लोग को ज्वाइन कर लिया था, मिलने आया था अपने मेरी नंद से। तो डिनर के लिए मैंने बनाई हूँ लौकी की सब्ज़ी और हरे मसाले का गोश्त और जो है बिहारी बोटी, लेकिन ये सब की वीडियो जो है मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे देखिए मेरी नन जो है वो मैंगो लेके आई थी, तो बॉम्बे का जो अल्फांसो है ना वो देख के ना मेरी आंखें जो है ना एकदम चमकने लगी एकदम, और मेरा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हालांकि मेरे हस्बैंड जो है ना उनको अल्फांसो इतना नहीं पसंद है, वो दशहरी चौसा लंगड़ा ये सब पसंद करते हैं, तो मगर जो है मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और अफ़ान को और आरिस को सबको बहुत मैंगो पसंद है, तो देखिए आरिस जो है वो यहाँ चालू हो गया है मैंगो खाने के लिए, उससे तो सब्र ही नहीं हो रहा था, तो जल्दी से जो है मेरे हस्बैंड ने उसको एक पीस कट करके दे दिए। आगे भी हम लोग ने बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स बनाए हैं घूमने फिरने के, सब मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। स्लिपरी है, खाओ। हाँ तो फिर ठीक है, आज का व्लॉग जो है मैं यहीं एंड करती हूँ। जो लोग मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। तो फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज़।